इसराइल हमास युद्ध के बीच राफा की लड़ाई ने सारा गेम ही पलट कर रख दिया है। राफा में जिस मकसद से आईडीएफ घुसी थी वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। उल्टा हमास के लड़ाके राफा के अलावा अब गाजा के अन्य हिस्सों में दोबारा अपनी पकड़ कायम कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड के ये वीडियो कह रहे हैं जो गाजा में जमीनी स्तर की हकीकत को दिखाते हैं। दरअसल गाजा के तलल हवा इलाके में अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर एक बड़ा स्नाइपर ऑपरेशन किया है जिसका वीडियो फुटेज भी सामने आया है। अल कासिम के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे हमास का एक लड़ाका सामने की बिल्डिंग के बाहर जा रहे कुछ इजरायली सैनिकों पर स्नाइपर राइफल से निशाना लगाता है और जैसे ही गोली लगती है आईडीएफ का सैनिक जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद तलल सुल्तान में अल कासिम के लड़ाके आईडीएफ के हेडक्वार्टर पर गोरिल्ला स्टाइल में हमला करते हैं। अल कासिम के इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पहले तो दूर खड़े इजरायली सैनिकों पर निगरानी की जाती है और फिर आईडीएफ की एक बिल्डिंग पर निशाना लगाया जाता है और इसके बाद हमास के लड़ाके सामने खड़े आईडीएफ टैंक पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देते हैं और इस हमले के बाद एक और टैंक पर हमास का लड़ाका रॉकेट फायर कर देता है। और इस अटैक के बाद दूर खड़े इजरायली सैनिकों पर भी स्नाइपर राइफल से हमला किया जाता है और ये हमला करके हमास के लड़ाके वहां से भाग निकलते हैं। और वीडियो में आगे देखने पर नजर आता है कि एक बिल्डिंग में आईडीएफ के कुछ जवान खिड़की के पास खड़े होते हैं और तभी हमास का लड़ाका उनके ऊपर फायरिंग कर देता है। और इसके बाद तलल हवा में आईडीएफ घुसने की कोशिश करती है तो अल कासिम के लड़ाके उसके ऊपर फिर से हमला कर देते हैं। अल कासिम के इस वीडियो में दूर से कुछ आईडीएफ के टैंक और बुलडोजर नजर आते हैं जिनके रास्ते में अल कासिम के लड़ाके बारूद बिछा देते हैं और जैसे ही ये बुलडोजर उस बारूद के पास पहुंचता है वैसे ही उसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद दूर खड़े एक आईडीएफ के टैंक पर रॉकेट लॉन्चर से हमला होता है जिसमें एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और इसके बाद वहां से आईडीएफ के जवान भाग निकलते हैं और इन जवानों पर भी हमास के लड़ाके हमला कर देते हैं। इसके बाद हमास के कुछ लड़ाके एक खंडर पड़ी इमारत में घुसकर सामने की बिल्डिंग में रॉकेट से हमला कर देते हैं। और इस हमले के बाद अल सुजैया के अल तकद्दुम एक्सिस में अल कुछ ब्रिगेड इजरायली सैनिकों और उसके वाहनों पर बड़ा अटैक करती है। अल कुछ ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें हमास का एक लड़ाका हरियाली के बीच छिपकर लॉन्चर में रॉकेट भरकर फायर कर रहा होता है। इस वीडियो में दूर खड़े आईडीएफ के कुछ टैंक नजर आते हैं जिन पर हमास के लड़ाके ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट फायर करते हैं। और
और इस हमले के बाद अल कासिम के लड़ाके तल अल हवा में अल सीना इलाके में दूर खड़े इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर एक बहुत बड़ा हमला करते हैं। अल कासिम के लड़ाके पहले तो एक बिल्डिंग में छेद करते हैं और उसके बाद दूर खड़े इजरायली सैनिकों पर स्नाइपर राइफल से हमला होता है। इस हमले में आईडीएफ का एक जवान जमीन पर गिर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ का कहना है कि इन हमलों में उसका एक जवान मारा गया है। ये जवान मगलान कमांडो यूनिट में तैनात था जो तल अल हवा के इलाके में मारा गया है, और इसके अलावा दो रिजर्विस्ट भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और इन हमलों के बीच इसराइल के रक्षा मंत्री ने इसराइली संसद को बताया कि हमास के 60% लड़ाके गाजा में मारे जा चुके हैं और इनमें से अधिकतर हमास की 24वीं बटालियन में थे।